ही गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हो आप सब, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मेरा नाम है अंकित शर्मा और आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी दुनिया। आज इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं ट्रू वायरलेस एयरबड्स का। बेसिकली ये जो ट्रू वायरलेस एयरबड्स है, ये आता है एक वेल नोन ब्रांड की तरफ से और इस ब्रांड का नाम है टैग। इस एयरफोन का नाम है टैग लिबर्टी लाइट ट्रू वायरलेस एयरबड्स और इस एयरबड्स की कीमत है 2500 रुपीज़। तो चलो शुरू करते हैं इसका रिव्यू और जानते हैं कैसा ये प्रोडक्ट, कैसी इसकी बिल्ड क्वालिटी, कैसी इसकी साउंड क्वालिटी और क्या आपको इस प्रोडक्ट को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा कंटेंट जरा भी पसंद आता है ना, तो प्लीज मेक श्योर करना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। आप में से कई सारे लोग मेरे वीडियोस तो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। मुझे इस साल के एंड तक एटलीस्ट 20,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो प्लीज़ आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो अगर आपको मेरा कंटेंट जरा भी पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर जरूर प्रेस कर लेना। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बॉक्स के बारे में। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको बॉक्स देखने को मिलेगा और यहाँ पर टैग की ब्रांडिंग करी है, लिबर्टी लाइट ट्रू वायरलेस एयरबड्स लिखा गया है। यहाँ पर कुछ इस तरह के हमें एयरबड्स देखने को मिलते हैं और यहाँ लिखा गया है द साउंड ऑफ फ्रीडम। अगर बात करें लेफ्ट हैंड साइड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ फीचर्स मेंशन करे गए, जैसे कि इसमें आपको बिल्ट इन माइक्रोफोन देखने को मिलता है। इसमें जो बैटरी देखने को मिलती है आपको 500 mAh की देखने को मिलती है और इस एयरबड्स में आपको IPX4 का सपोर्ट दिया गया है, जिसकी वजह से ये जो एयरबड्स है वो वाटर हो जाता है। साथ साथ यहाँ पर कंफर्टेबल इन एयर डिज़ाइन यहाँ पर लिखा गया है। कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि इसका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो विल सी दैट लेटर ऑन। और अगर बात करें राइट हैंड साइड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिबर्टी लाइट ट्रू वायरलेस एयरबड्स लिखा गया है। तो अब गाइस, अगर बात करें बैक साइड के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी कुछ डिटेल्स में मेंशन करा गया है। तो यहाँ पर लेट मी जूम इन एंड शो इट टू यू। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो म्यूज़िक प्ले टाइम आपको देखने को मिलता है वो 5 आवर्स का देखने को मिलता है और जो स्टैंड बाई टाइम है वो 200 आवर्स का देखने को मिलता है। और जो चार्जिंग टाइम है, कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि वो 1 to 2 आवर्स के बिटवीन में ये चार्ज हो जाता है। साथ साथ इस एयरबड्स पर हमें ब्लूटूथ 5.0 की टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। JL चिपसेट अलाउज स्टेबल एंड बेटर आउटपुट विथ स्ट्रीमलाइन कनेक्टिविटी, लॉन्ग बैटरी और सब चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी का जो यहाँ पर एड्रेस है वो डिटेल्स आपको देखने को मिलता है। साथ साथ जो बॉक्स पे प्राइस मेंशन करी गई है वो 4,000 रुपीज़ करी गई है, बट आप इसे आसानी से 2,500 रुपीज़ में ख़रीद सकते हो। साथ साथ इस प्रोडक्ट को मैनुफैक्चर करा गया है मार्च 2020 में। तो चलो अब इसे अनबॉक्स कर लेते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पर कंपनी का यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिया गया है, वेबसाइट डिटेल्स दिया गया है, तो अगर इन केस अगर आपको इस प्रोडक्ट पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट देम ऑन द गिवन ईमेल एड्रेस। या फिर दोस्तों, अगर आपको अपना वारंटी क्लेम करना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट देम ऑन द गिवन ईमेल एड्रेस। तो चलो गाइस, अब यहाँ पर इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देख लेते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपको बॉक्स देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ मैसेज दिया गया है, अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर आपको एक यूज़र मैनुअल भी देखने को मिलता है और बॉक्स की पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी करी गई है। साथ साथ यहाँ पर हमें एयरबड्स देखने को मिलते हैं, जो कि ये भी पैक्ड है। और यहाँ पर इसको हम रखते हैं साइड में। एंड इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर हमें टाइप सी केबल भी देखने को मिलता है। एंड थैंक गॉड, यहाँ पर जो टाइप सी केबल की जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन अगर आप USB माइक्रो USB चार्जर यूज़ करते हो तो यहाँ पर आप इस टाइप सी केबल को इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा एयर टिप्स भी देखने को मिलती है, जिसको आप अपने एयर के साइज़ के प्रेफरेंस के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर अब एयरबड्स के बारे में। तो बेसिकली अब इसे निकाल लेते हैं। अगर बात करें डिज़ाइन के बारे में, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कैप्सूल शेप्ड का डिज़ाइन दिया गया है बॉक्स को, और यहाँ पर जो मैट ब्लैक कलर की फिनिश दी गई ना, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। साथ साथ यहाँ पर टैग की ब्रांडिंग हमें देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर बात करें बैक साइड के बारे में, तो यहाँ पर आपको टाइप सी पोर्ट दिया गया, जहाँ पर आप टाइप सी केबल लगाकर इसे चार्ज कर सकते हो। और साथ साथ अगर बात करें नीचे की तरफ की, तो यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ डिटेल्स मेंशन करे गए हैं, जैसे कि मॉडल नंबर दिया गया है टैग लिबर्टी लाइट। DC इनपुट जो है 5 वोल्ट है और इस एयरबड्स में हमें इस एयरफोन में हमें 500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। टैग की ब्रांडिंग करी गई है, मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। बेसिकली जितने भी एयरबड्स अभी फिलहाल के लिए इंडिया में अवेलेबल है वो मेड इन चाइना प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पर अभी इंडिया में प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं है। होपफुली जो इंडियन कंपनीज है, बेसिकली टैग भी जो है एक इंडियन कंपनी है, वो अब इंडियन पीपल के सेंटिमेंट्स को समझेगी और इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेगी। अब यहाँ पर हमें टाइम देना पड़ेगा कंपनी को। एज ऑफ नाउ जो एयरबड्स अभी जितने भी एयरबड्स अवेलेबल है मार्केट में, उनकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में ही होती है।
बहुत जल्द कंपनी ये रियलाइज़ करेगी कि यहाँ पर इंडियन पीपल को अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो अब हमें इन्हें सपोर्ट करना चाहिए ताकि ये खुद की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर सके इंडिया में। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आप बॉक्स को ओपन कर सकते हो, कुछ इस तरह के हमें एयरबड्स देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, यहाँ पर इनका डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। बट यहाँ पर जो ये ऊपर वाला जो कैप है ना, वो थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग रहता तो ज़्यादा अच्छा होता। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पर और सब चीज़ें अच्छी लगी मुझे। यहाँ पर जो इन एयरबड्स का डिज़ाइन है वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आई हैव बीन यूजिंग दिस एयरफोन सिंस लास्ट वीक राइट नाउ, और यहाँ पर इनका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये काफ़ी अच्छी तरीके से आपके कानों में फिट हो जाते हैं। अभी देख सकते हो आप यहाँ पर ये पेयरिंग मोड पर ऑन है, यहाँ पर रेड और ब्लू लाइट जल रही है, पेयरिंग मोड पर है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, यहाँ पर हमें टच पैनल देखने को नहीं मिलता है, तो ये एक बटन्स है, तो यहाँ पर ये भी चीज़ है। और इसके अलावा जो डिज़ाइन है, जो यहाँ पर क्वालिटी है, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। केस में बस यहाँ पर अगर ये चीज़ जो है ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता तो ज़्यादा अच्छा होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करते हो तो अच्छा रहेगा ये प्रोडक्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैग्नेटिक केस भी देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं इन एयरबड्स के बारे में डिटेल में। और यहाँ पर सबसे पहले आप साउंड टेस्ट सुन लो, उसके बाद मैं आपको अपना वर्डिक्ट दूंगा। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने एयरफोन को अपने माइक्रोफोन पर अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर हम करेंगे साउंड टेस्ट, तो चलो चलते हैं यूट्यूब पर। अब मैंने कुछ सॉन्ग्स पहले से सेलेक्ट करके रखे हैं, तो लेट्स प्ले सम म्यूज़िक। तो चलो गाइज, अब यहाँ पर पबजी टेस्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग बोलते हैं पबजी में लेटेंसी देखने को मिलती है कि नहीं, ये बताओ। और यहाँ पर मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको और आप खुद जज करना। तो चलो गेम को शुरू करते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, गेम की शुरुआत हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पास अभी AKM है और इसको मैंने ऑटो पर करके रखा है। तो यहाँ पर आपको मैं गन चला कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आप जज कर सकते हो आपको लेटेंसी देखने को मिलती है कि नहीं। और इसको मैं सिंगल शॉट पे कर देता हूँ।
तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। मैं तो और मैच में करता हूँ। अबे यार तीन नंबर अब दोस्तों अगर बात करें वर्डिट के बारे में तो मैं आपको बताना चाहूँगा इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी, मुझे इन एयरबड्स की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और ये जो एयरबड्स है काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से फिट हो जाते हैं आपके कानों में। इन टर्म्स ऑफ कंफर्टेबिलिटी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके कानों में फिट हो जाते हैं, इवन आफ्टर लॉन्ग आवर्स ऑफ यूजेस ये आपके कानों में दर्द नहीं देते हैं और यहाँ पर ये आपके कानों से अपने आप नहीं निकलते हैं। तो अगर आप जॉगिंग के लिए लेना चाहते हो या फिर अगर आप एक्सरसाइज करने के लिए एक एयरबड लेना चाहते हो तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपके कानों में फिट हो जाते हैं। और उसके बाद अगर बात करें इसके कॉल क्वालिटी के बारे में तो कॉल क्वालिटी के मामले में भी मुझे कोई भी प्रॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिखा, काफ़ी अच्छा कॉल क्वालिटी यहाँ पर देखने को मिलता है एंड यहाँ पर काफ़ी हद तक ये नॉइस कैंसिलेशन कर देता है। एंड यहाँ पर मैंने इसको साउंड टेस्ट के समय भी, मतलब कि जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई प्ले म्यूज़िक प्ले कर दिया था अपने सिस्टम पर एंड उसके बाद भी मैं अपने फ्रेंड से काफ़ी अच्छे तरीके से बात कर पा रहा था, उसको मेरी आवाज़ें अच्छे तरीके से सुन पा रही थी। लेकिन हाँ, ये जो एयरबड्स है ये म्यूज़िक को कैच कर रहा था लेकिन जो मेरी वॉइस थी वहाँ पर उसको क्लियरली सुनाई दे रही थी, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। और इसके बाद अगर बात करें इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी तो साउंड क्वालिटी के मामले में भी यहाँ पर अगर आप बैलेंस्ड म्यूज़िक सुनते हो तो जैसा कि अगर आप मेरे वीडियोस देखते आ रहे होगे तो आपको पता होगा कि मुझे बैलेंस्ड म्यूज़िक कितना ज़्यादा पसंद है। तो अगर दोस्तों अगर आपको बैलेंस्ड म्यूज़िक पसंद है तो ये एयरफोन्स आपके लिए है। यहाँ पर आपको लोज जो है, मिड्स जो है, जो हाइज़ है वो बैलेंस देखने को मिलते हैं, यहाँ पर कोई भी ज़्यादा या कम देखने को नहीं मिलता, एक बैलेंस्ड ऑडियो एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ साउंड क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, तो यहाँ पर मुझे बैलेंस्ड म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा पसंद है एंड अगर आपको बैलेंस्ड म्यूज़िक काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो ये एयरफोन्स आपके लिए है, बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा बेस लवर हो, बहुत ही ज़्यादा हैवी बेस लवर हो तो ये एयरफोन्स आपको पसंद नहीं आएंगे। तो गाइज अगर आपको एक ऐसा एयरफोन लेना है जो कि बैलेंस्ड म्यूजिक के साथ आता हो या फिर जॉगिंग करने के लिए लेना है या फिर एक्सरसाइज करने के लिए लेना है तो ये एयरफोन्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी बेस लवर हो तो ये एयरफोन्स आपके लिए नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको बैलेंस्ड म्यूजिक चाहिए, एक अच्छी कॉल क्वालिटी वाला एयरफोन चाहिए, मतलब कि एक अच्छे कॉलिंग एक्सपीरियंस वाला एयरफोन चाहिए तो ये एयरफोन आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छी कॉलिंग एक्सपीरियंस इसमें देखने को मिलती है एंड अभी तक जितने भी एयरफोन्स मैंने टेस्ट करे हैं उन सबसे बेस्ट यहाँ पर कॉलिंग एक्सपीरियंस मुझे इनमें देखने को मिला। इसके अलावा साउंड क्वालिटी के मामले में जैसे कि मैंने आपको बताया बैलेंस्ड म्यूजिक देखने को मिलता है, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें थी, जैसे जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बता दिया एंड फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव रह गया है दोस्तों तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, यहाँ पर मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ तो यहाँ पर आप मुझसे बातें भी कर सकते हो। तो अगर आपकी बजट 2500 रुपीज़ है तो आप इन एयरफोन्स के साथ जा सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस एयरफोन का रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताना एंड साथ साथ इस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, एम करते हैं 50 लाइक्स के लिए। एंड अगर आपके मन में कोई भी सवाल है सुझाव है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो या फिर आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, यहाँ पर मैं हमेशा एक्टिव रहता हूँ और साथ साथ यहाँ पर आपको काफ़ी सारी टेक रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स देखने को मिलेंगे, तो ज़रूर ज़रूर मेक श्योर करना कि आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर लो एंड हाँ साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। मिलूंगा ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक्स वॉचिंग द वीडियो।